हेलो क्लास सिक्स, दिस इज योर साइंस सब्जेक्ट एंड योर चैप्टर नंबर फोर. ओपन योर बुक्स चैप्टर फोर नाउ. नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग योर लेसन चैप्टर फोर, सॉर्टिंग द मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स. हम अपने मटेरियल्स को ग्रुप्स में कैसे बांटेंगे, ठीक है. लाइक आपके मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले से ही, आपके लिविंग थिंग्स क्या होते हैं एंड वॉट आर योर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिनमें सांस होती है एंड दे कैन मूव, ठीक है, उनको तो बोला जाता है लिविंग थिंग्स होते हैं, फाइन. और जिनमें सांस नहीं है, जो ग्रो नहीं करते, सेम एज इट इज रहते हैं, जिनको फूड की कोई नीड नहीं होती है, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, फाइन. नाउ मटीरियल, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स पे, आपकी जो चेयर है, हो सकता है ये बहुत सारे मटीरियल्स की भी होती है, प्लास्टिक भी होती है कि नहीं होती है, एंड मे बी ये वुड की हो, स्टील की हो, आयरन की हो, देयर आर मेनी मटीरियल्स आर देयर, जिस एक मटीरियल से हमारी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, फाइन. एंड नाउ सामने इसके क्या है, आपकी एक ही ज्योमेट्री टाइप आपको लग रहा है कुछ, ये भी आपके प्लास्टिक की भी होती हैं, आपकी लोहे की भी होती हैं, दे आर द स्टील ऑल्सो, लाइक बेंच ऑल्सो, ठीक है. नाउ वॉट इज अ मटीरियल, अ सब्सटेंस विच इज यूज इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, जिस आपको सब्सटेंस की जरूरत होती है जिसे बोला जाता है मटीरियल. एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन या वन से ज्यादा मटेरियल्स की जरूरत होती है जिसे बोला जाता है सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, सो वुड आपका मटेरियल. अगर कोई चेयर आपकी प्लास्टिक की बनी है तो क्या होता है, वो आपका मटेरियल हो गया वुड भी, ठीक है. नाउ अ स्पून इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील भी होती है, ठीक है, एंड चांदी भी होती है कई बार, तो दैट इज कॉल्ड आवर मटीरियल. नाउ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं जिसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू द लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन द वेरियस वेज, जो हमें किस किस वे पे वो चीज़ किसकी बनी है, कैसे बनी है, एनी थिंग कैन बी देयर, या नेचुरल के बेस पे और ह्यूमन मेड के बेस पे भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ओके ना. बट वी कैन यूज दीज मटीरियल्स टू मेक अ कुकिंग पॉट को बनाने के लिए, दस वी कंक्लूड द मैटर डिफरेंट इन देयर साइज में भी चेंज हो सकता है, शेप में भी, कलर, टेक्स्चर एंड स्मेल ऑल्सो. लाइक हमारा सबसे पहला अपीरियंस होता है, अपीरियंस का मतलब होता है दिखने में कोई चीज़ कैसी होती है, लाइक कुछ चीज़ें हमारी लस्टरस होती हैं एंड द स्पेशल शाइन ऑन देम इज कॉल्ड लस्टर, ठीक है. जैसे हमारा गोल्ड हो गया, हमारा सिल्वर होता है, इसके आप ऑर्नामेंट्स भी बनवाते हैं ना, बिकॉज दे हैव अ स्पेशल शाइन इन देम, एंड मटीरियल्स हैव सच लस्टर होते हैं मेटल्स के अंदर, और उन मटीरियल्स को बोला जाता है मेटल्स विच आर हैविंग लस्टर. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम मेटल्स विच शो ब्राइट मेटलिक लस्टर वेन दे आर फ्रेशली कट, ओके. एंड नेक्स्ट इज मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीरियंस. सम मेटल सच एज, जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो डल हो जाते हैं और अपनी शाइन को कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे खो देते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर के साथ साथ जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो डस्ट आती रहती है, डर्ट भी आती रहती है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी चमक को खोना शुरू कर देते हैं, ओके. नाउ मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर. लाइक नेक्स्ट वन इज टॉपिक इज टेक्स्चर. टेक्स्चर के अकॉर्डिंगली हमें मालूम है हर चीज़ों में हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्चर की चीज़ें होती हैं. मेटल हार्ड होता है, स्मूथ होता है, वेयर एज वुल हमारी सॉफ्ट एंड रफ भी होती है. स्टेम ऑफ द ट्री, कहीं पे रफ होता है चीज़ और विंडो पेन इज स्मूथ होता है हमारा. एंड मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द, और टेक्स्चर्स के अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है कि किसका टेक्स्चर कैसा है, ओके. नेक्स्ट वन इज हार्डनेस. हार्डनेस यानी उस चीज़ की उसमें जो हार्डनेस होती है, मजबूती कितनी ज़्यादा है उस चीज़ में. लाइक अ पीस ऑफ वुड और अ स्टोन इज हार्डन देन अ पीस ऑफ फॉर्म से वो मजबूत होगा. वेन द सरफेस
ऑफ टू डिफरेंट मटीरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन द सरफेस विच स्क्रैच्स इज कॉल्ड टू बी हार्ड, और उसकी प्रॉपर्टी को बोला जाता है हार्डनेस ऑफ द मटीरियल्स, ठीक है। और कुछ हमारे सॉफ्ट होते हैं, अब लाइक हमारा डायमंड है, डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है जो हमारे किसमें नेचर में एग्जिस्ट है। और उसके बाद ग्लास इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड डायमंड इज यूज टू कट द ग्लास को, टेलकम पाउडर इज ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द सोप स्टोन से भी हमें रेडी मिलता है, जिसे बोला जाता है सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट वन इज आपका स्टेट, जो हमारे सारे मटेरियल्स होते हैं वो तीन फॉर्म में हमें मिलते हैं, किस किस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड इज योर ठोस वाला, ठीक है, एंड लिक्विड इज योर तरल में, एंड गैस इज योर वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो हमें चीज मिलती है, दे आर कॉल्ड थ्री फॉर्म्स हो गए हमारे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड ऑयल, आपके लिक्विड होते हैं, कुछ आपकी स्पेसिफाई वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई करते हैं एंड वो शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में हम उसे रख रहे हैं, ओके। नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सिर्फ एयर में बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर होती है। हीलियम इज एक ऐसी गैस होती है जिसमें हम कहाँ यूज किया जाता है, जैसे बैलून को फिल करने के लिए, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो खुद ब खुद ऊपर पहुंच जाती है वो। एंड नाइट्रोजन एंड द नियन गैसेस आर फिल्ड इन द स्ट्रीट लाइट्स में, ये दोनों गैसेस का मिश्रण भरा जाता है, ओके। नेक्स्ट इज सॉलिड्स, सॉलिड लाइक आपका जो क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड्स आर इनसोल्यूबल भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटल, स्टोन हो गया, हमारा मड होती है, कीचड़ यानी वुड ऑल्सो इज देयर, मिक्स तो कर लेगा वो थोड़ी देर के लिए, बट वेन यू लीव इट फॉर सम टाइम तो आपका जो इनसॉल्यूबल पार्ट है वो एक तरफ रहेगा, आपका लिक्विड आपका ऊपर रह जाएगा, तो दे आर नॉट सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब इनसॉल्यूबल होते हैं जो घुलते नहीं हैं पूरी तरीके से, उन्हें बोला जाता है इनसॉल्यूबल। और जो पूरी तरीके से लाइक आप एक ग्लास में पानी लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप उसको स्टिर करेंगे, हिलाते रहेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो नमक घुलना बंद हो जाएगा और गायब भी हो जाएगा, लाइक चीनी ऑल्सो देयर। जो चीज़ हमारी इस तरीके की होती है, जो मटेरियल हमारा जो पूरी तरह से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है लिक्विड के साथ, उसे बोला जाता है सॉल्यूबल, और जो मिक्स नहीं हो पाता है उसे बोला जाता है इनसॉल्यूबल, ओके। नाउ इट इज योर लिक्विड, लिक्विड मतलब आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में, दीज आर कॉल्ड आवर लिक्विड्स, लाइक आपका एल्कोहल, विनेगर, लेमन जूस, ये डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, घुल जाते हैं, और जिन्हें आप द लिक्विड्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर उन्हें बोला जाता है मेजेबल, जिसको आप निकाल नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते उनकी क्वांटिटीज को। एंड वाइल द लिक्विड्स विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुल पाते हैं, लाइक हमारा ऑयल है, ऑयल हमारा है तो लिक्विड ही, लेकिन आप उसको शेक करेंगे पानी के साथ, लेकिन व्हाट विल हैपन, पानी नीचे रहेगा, आपका ऑयल ऊपर रहेगा, दैट ऑयल इज कॉल्ड आपका इमेजिबल, आपका लिक्विड होगा वो, ओके। एंड गैसेस हमें मालूम है दे आर नॉट सोल्यूबल, इनसॉल्यूबल होती है ना, पानी में नहीं मिल पाती हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज सॉल्यूबल इन वाटर, सो फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर डेंसिटी, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, एंड सिंकिंग इज डूब जाना, ठीक है। तो ये चीज किस पर डिपेंड होती है, जब हमारे पानी की डेंसिटी से ज्यादा अगर कोई हैवी चीज है वो उसके अंदर डूब जाती है, इट मीन्स वो आपकी डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई चीज पानी पे तैर रही है, सिंक द सब्सटेंस विच इज डेंसर, ठीक है, देन द वॉटर विल सिंक इन वॉटर, अ सब्सटेंस विच इज लेस डेंस देन द वॉटर विल फ्लोट ऑन द वॉटर, या तो वो डूब जाएगी अगर हैवी चीज होगी तो, या वो तैरेगी, दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग एंड द सिंकिंग ऑफ द मटीरियल, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, लाइक जैसे इनके हाथ में आपको स्क्रीन पे ग्लास दिखाई दे रहा है, इस ग्लास से आर पार आपको इनकी उंगलियां भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, इट मींस व्हेन यू कैन सी इजीली,
थ्रू सम मेटीरियल, और उसको जो आर पार आप देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट चीज है वो, और उसकी जो प्रॉपर्टी है आर पार देखने वाली दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एंड नेक्स्ट कि व्हेन यू कैन नॉट सी थ्रू द मटेरियल, जब आप बिल्कुल भी, जैसे आप एक लकड़ी का बोर्ड ले लेंगे, आप उसके आर पार देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, दैट इज ओपेक यू, ठीक है, ओपेक होता है वो, और जिसकी प्रॉपर्टी को बोला जाता है ओपेसिटी। एंड थर्ड वन इज आपका क्या होता है कि जिसमें से आप कुछ देख पाते हैं, टोटली नहीं देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, ठीक है, लाइक आपका ग्राउंड ग्लास हो गया, ऑयल्ड पेपर हो गया, बटर पेपर इज ऑल्सो देयर, आप उसमें से देख पाते हैं बट नॉट फुली ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज कंडक्शन ऑफ हीट, आपकी हीट जो है, जैसे मामा किचन में वर्क करती हैं तो क्या होता है, मामा अगर किसी बर्तन में स्पून को छोड़ देंगी तो गैस पे अगर वो बर्तन चल रहा है, चालू है गैस, तो वो स्पून धीरे धीरे नीचे से हीट उसमें ऊपर तक आ जाएगी, और आप उसको स्पून को पकड़ेंगे तो दैट विल यू विल बी फीलिंग क्या, हॉटर फील करेंगे ना, गर्म चम्मच भी गर्म हो जाएगी साथ में, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। मेटल्स ऑल्सो हीट टू पास थ्रू देम, उसमें से यानी वहां से वहां तक पहुंच गई ना, कौन पहुंच गई, हीट पहुंच गई, दैट इज कॉल्ड कि दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कौन, मेटल्स होते हैं। एंड मेटल्स मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है, इसीलिए क्या करते हैं, जैसे आपको ये साइड में आपको बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये स्पून्स का सेट, इसीलिए कि एक कोने से दूसरे कोने तक हमारी हीटिंग ना जाए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमारे जो हम खरीदते हैं बर्तन, तो उसके कॉर्नर पे हमें प्लास्टिक के हैंडल्स भी लगे होते हैं, ताकि हमें हीटिंग वाला फील ना आए, वो गर्म ना हो, ओके। I have told you good conductors of heat and bad conductor of heat वो होता है कि जिनके materials के बीच में जो flow नहीं होता heat energy का एक जगह से दूसरी जगह पे, like मैंने यहाँ लकड़ी की rod ले ली, आग आप एक corner पे लगाओगे तो वो बहुत देर बाद धीरे धीरे जाके भाई वो लकड़ी है वो तो चलेगी, तो जाके पहुंचेगी वहां कोने तक, लेकिन ये तो नहीं है कि एक तरफ से मैं करंट पास करूंगी दूसरी जगह पे करंट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना लकड़ी में, तो दैट इज कॉल्ड वो, यानी जो लकड़ी है हमारी वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ओके। एंड व्हेन वी मेक यूज ऑफ नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कवरिंग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, तो उन्हें बोला जाता है नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेटर्स भी बोला जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ आई कम टू द एक्सरसाइज पेज, वी हैव फिनिश्ड द लेसन नाउ, दिस इज योर एक्सरसाइज पेज, क्वेश्चन ए बी सी डी इज योर क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स नाउ, एंड दिस इज योर रिमेनिंग आंसर्स फ्रॉम योर आंसर नंबर 5, 6, 7, and 8, यू हैव टू कंप्लीट योर होल work and notebooks up to this lesson in your books and notebooks and I